मैं हूं दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। कुछ बच्चे रात को नींद में अचानक डरकर रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। कुछ बच्चों को रात में सोते हुए बड़बड़ाने की आदत होती है। अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। बच्चों से जुड़ी इस समस्या का क्या है कारण और क्या है जीवा मंत्र, आइए जानते हैं। क्या आपका बच्चा नींद में बड़बड़ाता है, डरता है, चीखता है और रोता भी है? क्या है इसकी वजह और क्या है इसका आयुर्वेदिक उपचार, जानिए मुझसे सिर्फ संजीवनी में। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल जी, बच्चे नींद में बड़बड़ाते हैं तो क्या ये कोई गंभीर समस्या है जो पेरेंट्स हैं, क्या उन्हें एक डर का भाव आना चाहिए या फिर ये नॉर्मल है? देखिए, गंभीर समस्या तो नहीं है, ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं, लेकिन जैसा हम कहते हैं कि कोई भी शरीर में अबनॉर्मलिटी हो उसको नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। बच्चों में नींद, बच्चों जब नींद में थोड़ा बड़बड़ाते हैं या कुछ कई बार बोलते हैं, स्लीप टॉक जिसको हम बोलते हैं, तो ये कॉमन समस्या है। वैसे तो 5 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक की उम्र में जो बच्चे होते हैं उनमें लगभग 15% बच्चों में ऐसा रोग देखने में आता है। एक सर्वे जब हम इसको पूरा देखें तो काफ़ी बड़ा नंबर है ये। और मुख्य कारण अगर देखें तो अगर बहुत ज़्यादा बच्चे थके हुए होते हैं ना सोने से पहले, शारीरिक श्रम, कई लोग बच्चे आउटडोर गेम खेलते हैं, आजकल तो मानसिक थकान भी बहुत ज़्यादा होती है, बच्चों को होमवर्क करना है, पढ़ाई करनी है, फिर मोबाइल पर भी कुछ देखते रहते हैं, या उनको अच्छी गहरी नींद अगर नहीं आती है, इररेगुलर डेली रूटीन बहुत बड़ा कारण है इसका। देर तक रात को जगना, सुबह देर तक सोना, या कभी कभार किसी बीमारी के कारण, मान लो बुखार हो गया है, कोई और बीमारी जिसमें कि कमजोरी उनके शरीर में आ गई है, अधिक शोर शराबा अगर हो रहा है जहां बच्चा सो रहा है, कई बार जो है कुछ टीवी चलता रहता है, कुछ चलता रहता है, तो उसके कारण भी, या कोई मानसिक विकार अगर उसको हो गया है, मन उसका थोड़ा सा कमज़ोर है, कई बार कुछ केमिकल मेडिसिन बच्चे खा रहे होते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट के कारण भी ये हो सकता है। स्लीप टॉकिंग के जो ये कारण हैं, इनसे होगा क्या, एक तो अच्छी गहरी नींद नहीं आएगी बच्चे को, क्योंकि वो बोलता रहेगा, बीच में डिस्टर्बेंस रहेगी, और जब अच्छी गहरी नींद नहीं आएगी तो उसके दुष्प्रभाव अलग होते हैं, उसकी मेमोरी थोड़ी वीक हो सकती है, कंसंट्रेशन उसका जो है वीक हो सकता है, शारीरिक बल यानी कि जो फिजिकल इम्यूनिटी उसकी बच्चे की है वो थोड़ी वीक पड़ जाती है, उस पर असर पड़ता है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप जीवा से जुड़ जाते हैं तो आपको मिलते हैं हर प्रकार के रोगों के नेचुरल और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, जो कि आप फ़ोन के माध्यम से या फ़ोन करके या हमारी क्लिनिक पर जाके, हमारे जीवाग्राम हॉस्पिटल में आके, बहुत सारी सुविधाएं हमने आपको दी हैं, किसी भी तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने रोगों का आयुर्वेदिक उपचार करा सकते हैं। अगर आपके बच्चों में ये समस्या है तो कोई घबराना नहीं है, जीवा से जुड़ना है, अच्छी तरह से रोग को समझाना है, जिससे भी आपके हमारे चिकित्सक से बात हो, और फिर वो आपको इसका आयुर्वेदिक उपचार अवश्य बताएंगे। ड्राई और खुजली वाले स्किन से छुटकारा पाने के लिए क्या करें, जानिए सेहत की संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान से, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, मेरा अगला सवाल है कि कुछ बच्चों में स्लीप टेरर की समस्या होती है, जैसे नींद में रोना, कुछ बड़बड़ाना, कुछ अलग हरकतें करना, डर जाते हैं, बिल्कुल, तो उससे कैसे निजात पा सकते हैं? देखिए, डेफिनेटली काफ़ी सारे बच्चों में ये समस्या देखने में मिलती है, एकदम से घबरा के बच्चे उठते हैं, कई बार बहुत डरे होते हैं, तो आमतौर पर जो बच्चे फिजिकली वीक होते हैं, इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिए, जिनमें किसी तरह से अच्छा पोषण उनको नहीं मिल पाता है, कई बार जो लोअर तबके के गरीब बच्चे होते हैं पोषण की कमी होती है, या जिनको गहरी नींद नहीं आती है, जिनके गले और नाक में कफ जमा हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गला बंद है, नाक बंद है, या फिर जनरली जिनको डर बहुत ज़्यादा लगता है, कई बच्चे थोड़ी सी चीज़ पर डर जाते हैं क्योंकि उनकी मेंटल वीकनेस है, उन बच्चों को स्लीप टेरर जो है उनकी समस्या अधिक देखने को मिलती है। और नॉर्मली अगर हम देखें तो नींद में रोना, नींद में चिल्लाना, डरना, घबराना, ये 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनमें तो आमतौर पर ये देखने को मिलता है, लेकिन देखें तो आजकल थोड़ा सा शारीरिक और मानसिक लेवल पर जो बच्चे कमज़ोर होते हैं तो उनमें 13 वर्ष तक की आयु में भी ऐसे रोग देखने को मिलते हैं। कई बार कुछ बड़ी उम्र के बच्चे भी हमारे पास इस तरह की शिकायत लेके आते हैं, और आम तौर पर इन बच्चों में मेनली जो मैंने देखा है वो पोषण पर हमें ध्यान देना चाहिए उनका, क्योंकि अगर वो उनको हम अच्छा डाइट देंगे, अच्छा दूध पिलाएं, थोड़ा मक्खन घी वगैरह खिलाएं,
और मानसिक लेवल पर भी अगर हम उनको थोड़ा सा मजबूत बनाएं तो बहुत फ़ायदा होता है। मानसिक लेवल के लिए बच्चों का एक जीवा का मेमोरी का सिरप बहुत बढ़िया है हमारा, बहुत सारी उसमें जड़ी बूटियाँ, शंख पुष्पी, ब्राह्मी वगैरह सब डली हुई हैं, या जीवा की ब्राह्मी टैबलेट्स भी आती हैं, अगर बच्चा टैबलेट ले सकता है। एक बाल अवलेह करके बहुत अच्छा च्यवनप्राश टाइप का हमारा टॉनिक है जो कि बच्चे बड़े आसानी से खाते हैं और शारीरिक लेवल पर वो बल देता है। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, jeeva.com पर जाएं और वहाँ ऑनलाइन स्टोर है हमारा, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो नंबर आपके स्क्रीन पर हम दिखाते हैं, यहाँ फ़ोन करके बोलेंगे तो बाई पोस्ट भी आपके घर ये चीज़ें भिजवा देते हैं। और संजीवनी कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं पंजाब से, हर्ष। हर्ष, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। मेरे ना आधे सर में दर्द रहता है। अच्छा, कितना पुराना हो गया है दर्द? सर ये लगभग 2-2.5 साल हो गए। अच्छा, तो कितने दिन में होता है? हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, दो महीने में? हफ्ते में हो जाता है, एक आध बार हो जाता है। अच्छा, तो उस समय कोई उल्टी आने को होती है क्या आपको? जैसे उल्टी आने का कुछ मन कर रहा है? जी हाँ, थोड़ा उल्टी आने का मन करता है सर। जी, अच्छा अच्छा। देखो, ये जो रोग है ना, आधा सीसी या माइग्रेन इसको आम भाषा में बोलते हैं, और बड़ा ही एक बेकार सा रोग है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, टैबलेट खाते रहते हैं, जड़ पर जाते नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स में मैंने देखा है कि इस रोग का जो मूल कारण कई बार पेट से जुड़ा होता है। पेट में अगर अपच हो गया है, एसिडिटी बन गई है, गैस बन गई है, तो कई बार लोग ही आके बताते हैं जी गैस सिर में चढ़ जाती है, और सिर में चढ़ेगी तो फिर उनको दर्द होता है वहाँ पर, और फिर उल्टी आने को होती है। कई बार उल्टी आएगी तो उसमें पित्त निकलेगा, एसिड निकलता है, खट्टा पानी, पीला पानी निकलता है। तो डरना नहीं है। देखिए, हम तो आपको यही समझाते हैं कि रोग अगर हो जाए तो पहले समझो कि रोग का कारण क्या है, क्यों हुआ रोग। जैसे अगर पेट के कारण हुआ है तो आप गोली खाते रहिए, जितनी देर गोली का असर रहेगा उतनी देर आपको दर्द नहीं होगा। बल्कि अब तो ऐसे पेशेंट भी आते हैं माइग्रेन के, पुराने 20-25 साल, कह रहे जी कोई गोली काम ही नहीं करती है। अब तो उनको बंद कमरे में जाके लेटना पड़ता है, अंधेरे में लेट जाते हैं, आवाज़ ना करे कोई, और 4-5 घंटे जब तक वो सोते नहीं है तब तक दर्द जाता नहीं है। तो आप चिंता नहीं करिए, रोग माइग्रेन का जो होता है उसको आसानी से हम आयुर्वेद में ठीक करते हैं। थोड़ा सा बादाम का तेल नाक में डालना शुरू करिए, और जीवा के इसी नंबर पर कॉल करके अपना एक बार जो है अपॉइंटमेंट बुक करिए हमारे डॉक्टर के साथ। एक ऑनलाइन आपसे वीडियो कंसल्टेशन होगी, बातचीत को समझेंगे, उसके अनुसार पर्सनलाइज दवाई आपको देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि माइग्रेन में कम से कम 6-8 महीना दवाई आपको खानी चाहिए। 2-3 महीने में आराम आना दिखता है आपको, लेकिन पूरा रोग जड़ से ठीक करने के लिए कई बार 8 महीने, साल भर, 1 साल भी लग जाता है कई बार। तो लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, ताकि आपका रोग जो है वो पूरा जड़ से निकल जाए। डॉक्टर चौहान, बच्चों को नींद में बोलने की अक्सर आदत होती है, इस आदत का उपाय क्या है? देखिए, इसमें जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले तो जो बच्चे आजकल हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बहुत प्रयोग करते हैं। तो पहला तो सुझाव यही मेरा सभी पेरेंट्स को है कि गैजेट्स से उनको जितना हो सके दूर रखें, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उसमें से निकलती हैं, चाहे वो मोबाइल है, टैबलेट है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, वो हमारे मस्तिष्क को, हमारे नर्वस सिस्टम को कमज़ोर करता है। इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, साइंस भी ऐसा मानती है। बच्चे की जो ग्रोथ स्टेज है, इसमें उनको बहुत सारी चीज़ें जो है ध्यान रखने वाली, हमें ध्यान रखना है। और ख़ास तौर से क्योंकि ग्रोथ स्टेज में ब्रेन और सारी चीज़ें थोड़ा नाजुक होती हैं, तो उन पर असर उनका बहुत जल्दी पड़ जाता है। दूसरा, उनकी दिनचर्या का हमें ध्यान रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अर्ली एज से ही बच्चों की दिनचर्या हमें बनानी चाहिए। हम तो जीवा स्कूल एक चलाते हैं फरीदाबाद में, वहाँ पर एक प्रोग्राम ही हमने रखा है दिनचर्या के नियम, DKN बोलते हैं, उसके मार्क्स भी मिलते हैं बच्चों को, पूरा करिकुलम उसका है, और इतने अच्छे रिजल्ट उसके मिलते हैं बच्चों में, स्वास्थ्य देखें उनका। दूसरा, स्वाध्याय हम उनको कराते हैं बच्चों को, लास्ट पीरियड में हर बच्चा जो है मेडिटेशन करता है, प्राणायाम कराते हैं, योग कराते हैं। ये चीज़ें सारी क्या हैं कि उनके मस्तिष्क को मजबूत भी करेंगी, उनकी प्राण शक्ति को बढ़ाएंगी, उनका जो एक तरह से जो नर्वस सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा, उनको फियर नहीं आएगा उतनी जल्द से, डरेंगे नहीं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनके भोजन में वात शामक भोजन उनको जरूर करना चाहिए। वात शामक का क्या मतलब है? कोल्ड ड्रिंक ना पिए, बहुत ज़्यादा रूखी सूखी चीज़ें ना खाएँ, जंक फूड ना खाएँ, घर का बना खाना खाएँ, गर्म गर्म खाना खाएँ। इसी तरह से लाइफस्टाइल का भी ध्यान रखना है,
कोई चीज़ इरेगुलर नहीं होनी चाहिए, रेगुलर रूटीन वर्क होना चाहिए। तिल के तेल से थोड़ी सिर में मालिश करें, नाक में घी डागा सकते हैं, बादाम का तेल डाल सकते हैं, नाभि पर तेल लगाएं। ये सारी चीज़ें जो हैं जिनको हम आयुर्वेद में दिनचर्या के नियम बोलते हैं, ये अगर आप बच्चे को पालन कराएंगे, थोड़ा गैजेट से दूर रखेंगे, थोड़ा सा उनको जो है बताएंगे कि टाइम पर खाना है, टाइम पर सोना है, टॉयलेट जाना है, पेट साफ करना है, तो इसी से ठीक हो जाता है बच्चा कोई, और उनके संस्कार भी पड़ जाएंगे, पूरी ज़िंदगी फिर आगे उनको आदत पड़ जाएगी और लाइफ लॉन्ग वो फिर गलत आदतों से दूर रहेंगे। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, जीवा मंत्र की अगर बात करें तो आयुर्वेद में नींद में जो बोलने की समस्या है उसका क्या समाधान है और उसका क्या जीवा मंत्र है? देखिए, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में जो तीन प्रकार की एनर्जीज होती हैं, जिनको हम दोष बोलते हैं ना, त्रिदोष, इसको थोड़ा समझ लीजिए, बार बार हम इसका प्रयोग करते हैं, वो है वात, पित्त और कफ। वात जो है वो एनर्जी है जो हमारे शरीर में सभी प्रकार की जो भी चेष्टाएं होती हैं, जो भी गति होती है, जो भी मूवमेंट्स होती हैं, उनको वात कंट्रोल करती है। पित्त जो है उसका मेन कनेक्शन हमारे पाचन से है, डाइजेशन से है, मेटाबॉलिज्म से है। कफ जो है एक चिकना पदार्थ है, म्यूकस टाइप का, जो हर चीज़ को जोड़ के रखता है, एक स्ट्रक्चर देता है बॉडी को। तो अगर हम जो है गहरी नींद अगर बच्चे को नहीं आ रही है, या फिर जो है उसको किसी तरह से मानसिक लेवल पर डिस्टरबेंस है, नींद में बड़बड़ाना जो है मुख्य रूप से वो वात के प्रकोप से उसको होगा। और जीवा में किसी भी रोग की जब हम उपचार करते हैं, उसकी चिकित्सा करते हैं, तो सबसे पहले उसका रूट कॉज हम परखते हैं, जांचते हैं कि क्या है इसका रूट कॉज, और उसके अनुसार फिर जो है जो रोगी की प्रकृति देख करके, उसका बल कितना है, उसकी आयु कितनी है, कहाँ का रहने वाला है, बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करके फिर उसको मेडिसिन दी जाती है। जो स्लीप टॉक है या स्लीप वॉक भी आजकल होती है, कई बच्चे नींद में चलते भी हैं, या फिर इनसोमनिया है, इसका इलाज हमारे यहाँ पर करते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। जीवा एक ऐसी आपको संस्थान पूरे विश्व में नहीं मिलेगी जहाँ पर हर प्रकार के रोगों का हम इलाज करते हैं। नॉर्मली लोग कुछ कुछ रोगों का करते हैं, कोई थायराइड का करते हैं, कुछ जो है किसी लीवर का करते हैं, ऐसे देखे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर सभी रोगों का उपचार, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, और उसमें भी पंचकर्म चिकित्सा एक बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करती है। ख़ास तौर से बच्चों के लिए भी हम जो है शिरोभ्यंग इसमें किया जाता है, मालिश जिसको कहते हैं, शिरोबस्ती एक ट्रीटमेंट है, शिरोधारा है, नस्य है, पैरों की मालिश जो है की जाती है, और इसके अलावा फिर इंटरनल मेडिसिंस भी बच्चों को खाने के लिए दी जाती है। और जीवा स्लीप वेल टैबलेट, जीवा स्ट्रेस फ्री टैबलेट, ये तो बहुत कॉमन है, कोई भी ले सकता है, बच्चों को भी आप चीज़ें दे सकते हैं, और इससे भी उनके मानसिक लेवल पर मन भी जो है उनका मजबूत होता है, और ये जो नींद वगैरह बच्चों को ठीक से नहीं आती है, वो भी गहरी नींद भी आएगी, और नींद में बड़बड़ाना, बात करना, वो भी ठीक होगा। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स से बात करके गुड हेल्थ पाएं, ड्राई और खुजली वाली स्किन से छुटकारा पाने के लिए क्या करें, जानिए सेहत की संजीवनी में। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। सबसे पहला सवाल कि ड्राई और खुजली वाली स्किन से छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाए? देखिए, जैसा कि आपके प्रश्न में ही उसका उत्तर छुपा हुआ है, आप समझ लीजिए इसको। अगर हमारी स्किन ड्राई है तो उसको लुब्रिकेट करना, इतना ही करना, ऑयलिंग करनी, जो भी कोई चीज़ सूखी होती है तो वहाँ तेल लगाना चाहिए, नारियल का तेल लगाइए, सरसों का तेल लगाइए, चाहे तिल का तेल लगाइए, लेकिन ध्यान रहे कि उसको मॉइस्चराइज नहीं करना है। आजकल लोग मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, उसमें क्या होता है, केमिकल होते हैं, और कोई भी केमिकल जब आपकी त्वचा के अंदर जाएगा तो और ड्राइनेस पैदा करेगा लॉन्ग रन में, तो इसलिए तेल लगाना है आपको। इंटरनली आप थोड़ा घी का सेवन कर सकते हैं, घी से भी अंदर इंटरनल लुब्रिकेशन होता है, दूध पी सकते हैं, और ध्यान रहे कि कोई भी ड्राई, क्रंची, क्रिस्पी या कोल्ड आइटम आपको अपने भोजन में सेवन नहीं करने। जीवा के स्किन केयर प्रोडक्ट्स आप प्रयोग कर सकते हैं, कई प्रकार की क्रीम्स हैं, कई प्रकार के फेस वॉश हैं, कई प्रकार के और स्किन के अच्छे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ऑयल्स तो हमारे खैर डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं ही, उनका प्रयोग भी आप कर सकते हैं।
डॉक्टर चौहान, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो आप ईमेल भी करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jeeva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jeevaayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jeevaayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।